हरे कृष्णा राधे राधे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की हम ड्रेस घर पर ही हैवी ड्रेस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये हमने ऐसा कपड़ा लिया, आप चाहे तो कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। मैं इसको उल्टी साइड से फोल्ड कर लूँगी, सीधी साइड इसको मैंने अंदर की साइड कर ली है, ये देखिए इस तरीके से। और आप अपना मेज़रमेंट ले सकते हैं कुछ भी। मैंने एक प्लेट का मेज़रमेंट लिया था यहाँ पर। आप चाहते हैं तो आप किसी और चीज़ से भी सर्कल लगा सकते हैं। तो प्लेट का सर्कल बहुत ईजी रहता है, तो मैं इसी की हेल्प से हमेशा लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस बनाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको मार्क कर लिया है और अब मैं इसके बाद इसको कट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ये देखिए दोनों सर्कल अलग अलग हो चुके हैं। अब हमने इनकी उल्टी साइड अंदर कर लेनी है दोनों की। और इसको या तो हम पेस्ट कर सकते हैं या फिर स्टिच कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा उस अकॉर्डिंग कर लीजिए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से पेस्ट कर लिया है और इसके सेंटर में से भी इसको फोल्ड करके कट कर लिया है कमर के लिए। और एक साइड से मैं इसके कट लगा दूँगी जहाँ से हम इसका फ्रंट साइड रखेंगे, फ्रंट या बैक कह लीजिए जो मर्ज़ी। उसके बाद हम अपनी अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जैसी आपके पास नेट अवेलेबल है वो लेंगे। मैंने यहाँ पर रेड कलर की ली है, आप चाहे तो गोल्डन भी ले सकते हैं। और ये गोल्डन कलर रेड कलर की लेस लेकर मैंने इसको 2 इंच चौड़ी और लंबी, तो आप इसको बहुत ज़्यादा काटनी पड़ेगी। आप मेज़रमेंट ले सकते हैं इसके घेरे का, जो बाहर वाला घेरा है उसका मेज़रमेंट ले सकते हैं। और इस तरीके से आप प्लेट्स डाल लीजिए, ये देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ। और आप चाहें तो उसके साथ भी अटैच कर सकते हैं ड्रेस के, लेकिन ऐसे करते हैं तो इजी रहते हैं। मैंने उसका बाहर का डायमीटर ले लिया था, वो था 23 सेंटीमीटर। तो अब मुझे 23 सेंटीमीटर की प्लेट्स डली हुई चाहिए, तो मैं ऐसे तैयार कर लूँगी। और ये देखिए जब हम कपड़ा जोड़ते हैं ना, तो उस कपड़े को उसके नीचे रखना होता है और फिर दोबारा से हम प्लीट्स डाल लेते हैं। अब मैं दिखा रही हूँ मैं इसको कैसे ज्वाइन करूँगी यहाँ पर। ये देखिए ये हमारी हो गई है प्लीट्स वाली फ्रिल तैयार। और इस फ्रिल को चाहे तो आप पेस्ट कर सकते हैं ग्लू गन की हेल्प से, या स्टिच भी कर सकते हैं। और आप इसको सुई धागे की मदद से भी सिल सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। वैसे सिलाई किया हुआ ज़्यादा मजबूत रहते हैं, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसको स्टिच ही करें। और कहीं कहीं पर ना मेरी मशीन नहीं चली थी, तो वहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया था। फैब्रिक ग्लू आता है पेस्ट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर ना मशीन से प्रॉब्लम हो रही थी इस कपड़े पर चलने में, तो मैंने फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर लिया था। और इसके बाद ये मैंने लिया है वेलवेट का कपड़ा, आप चाहे तो कोई भी सिंपल कपड़ा ले ले सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर लिया है 2.5 इंच चौड़ा और लंबा हम लेना है इसके अकॉर्डिंग। को ये साइड्स में लगाना है और बीच में लगाना है। तो चलिए साइड में कैसे लगाते हैं मैं आपको एक लगाकर बताती हूँ, दूसरी साइड का आप खुद से लगा सकते हैं। ये देखिए इसको उल्टा करके रखिए इस साइड से, और यहाँ पर एक सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पर आप आसानी से सिलाई लगा सकते हैं, और चाहे तो आप इसको सुई धागे की हेल्प से भी लगा सकते हैं। और फिर इसको आप फोल्ड करके उल्टी साइड एक बार सिलाई और लगा लीजिए, ये इस तरीके से। एक साइड की किनारी मैंने आपको लगाकर दिखा दी है, इसी तरीके से आपने दूसरी साइड की भी लगा लेनी है। ये देखिए मेरी दूसरी साइड की भी हो चुकी है तैयार। अब हमने कोई भी डेकोरेटिव लेस लेनी है या फिर और कुछ ले सकते हैं, रिबन वगैरह ले सकते हैं। जो ये स्टिचिंग यहाँ से पेस्ट हुई हुई है इसको हमने कवर कर देना है। और ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से ये लगा ली है, आप इसको सुई धागे की हेल्प से भी लगा सकते हैं। और हम इसको थोड़ा सा और हैवी लुक देने के लिए ये मैंने एक लेस में से कट किए हुए हैं पीसेस, आप भी ऐसा ही कुछ लेकर साइड में पेस्ट कर दीजिए या फिर सुई की हेल्प से लगा दीजिए। मैं देखिए पहले पेस्टिंग करती हूँ, उसके बाद सुई की हेल्प से उसको स्टिच करती हूँ ताकि मेरी ड्रेस मजबूत बन सके। अब हमने इसको भी उल्टा रखकर ऐसे सिल देना है, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद इसको उल्टा कर लेना है और लूज छोड़ना है, क्योंकि इसमें से हमने डोरी निकालनी है।
कान्हा जी की कमर पर जब हम बांधेंगे तो लूज और रहता है थोड़ा सा, तो उसको टाइट करने के लिए। ये देखिए मैं सुई की हेल्प से सिल रही हूँ, क्योंकि सिलाई से अगर आप यहाँ पर मशीन से अगर सिलाई लगाएंगे तो उससे होती है सलवटें पड़ जाती हैं, झोल पड़ जाती है, और वो बिल्कुल भी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है ड्रेस की। तो इसको सुई की हेल्प से ही स्टिच कीजिए। मैं इसको यहाँ पर सुई की हेल्प से लगा रही हूँ, और आप चाहें तो डोरी पहले ही डाल लीजिए, क्योंकि बाद में डोरी डालने में थोड़ी दिक्कत आती है। मैंने हाफ स्टिच कर ली थी और उसके बाद मैंने डोरी डाल ली थी। ये देखिए मैंने डोरी लगा ली है, और अब इस डोरी को थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए मैंने लिए हैं थोड़े से मोती ये वाले, और इनको मैं इस पर लगा दूंगी थोड़ा सा डिज़ाइन बनाकर। नीचे एक छोटा मोती, उसके ऊपर लंबे वाला मोती, और ऊपर दो मोती, और ये डोरी बहुत प्यारी प्यारा लुक देगी। ये देखिए ये हमारी डोरी हो चुकी है रेडी। तो ये नीचे वाला घेर वाला पार्ट हो चुका है तैयार, अब हम बनाएंगे ऊपर वाला पार्ट। और ये वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई है तो फ्रेंड्स इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर हमने लंबाई लेनी है 6 इंचेस, हाँ जी 6 इंचेस पर कट लगा लीजिए, और आप चाहें तो कोई और कपड़ा भी ले सकते हैं। मैंने ये वेलवेट का ही कपड़ा लिया है, आप चाहें तो कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। वेलवेट के कपड़े से थोड़ा सा ना हैवी लुक आ जाता है ड्रेस का। और यहाँ पर हमने तैयार करनी है अपनी जो चोली की चौड़ाई है वो 2 इंच, तो आप चाहे तो 2.5 इंच ले लीजिए या फिर 3 इंच ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 3 इंच ली है, और उसके बाद ये देखिए कट हो गया है प्रॉपर 6 इंच लंबा 3 इंच चौड़ा। अब मैं इसके बीच में कट लगा लूँगी आधे रास्ते तक, इस कपड़े के हाफ तक ये लगा लिए हैं मैंने यहाँ पर कट। और अब मैं इसके सारे जो किनारी हैं कॉर्नर्स हैं सबको फोल्ड करके सब पर एक एक सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, और ये रिबन मैंने ले लिया है पहले से ही, गोटा कहते हैं जिसे, लगाने के लिए इसके कमर पर जहाँ से हम ये कान्हा जी को टाई करेंगे वहाँ पर। और ये देखिए अब मैं इसके कॉर्नर्स को जो किनारे वाली सिलाइयाँ हैं सबको लगा दूंगी, और ये हमारी चोली हाफ रेडी हो चुकी है। और बस इसके बाद ये मैंने यहाँ पर गोटा अटैच कर दिया है, और आप गोटे की लंबाई उतनी रखिए जितने नंबर के आप कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, उनको ईजिली बन जाए, ना ज़्यादा टाइट रहे ना ज़्यादा लूज़ रहे। और ये देखिए हमारी जो ऊपर का पार्ट है चोली बनकर हो चुकी है रेडी। आप इसको अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। पहले मैंने सोचा कि ये वाला लगा दूंगी, लेकिन फिर मैंने वही वाली लेस लगा दी जो मैंने कान्हा जी की नीचे वाले घेरे पर लगाई थी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये ड्रेस बनाई है मैंने 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए, वैसे 4 और 5 को भी आ जाएगी क्योंकि चोली हमारी एडजस्टेबल होती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।